नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। इससे पूर्व सभी सदस्यों सहित महापौर व नगर आयुक्त ने ली संविधान की शपथ, शहर को स्वच्छ व स्वस्थ रखने की भी शपथ ली। इस बैठक में आम जन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई मुद्दे पारित भी हुए। एक ही रोड है, यहाँ पी एच डी लगा दिया और इधर हमारा कारा गुरु को लगाया। ऐसे काम नहीं लोग करेंगे। हम लोग यहाँ सब लोग तो छठा बिल दिया है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन तो सैल नहीं किया है हम लोगों को। पानी को सबको देना है, ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी का 200 फीट है तो उसको पानी नहीं देगी, पानी खुद को दे। जो पैसा उनको ने दिया नगर विकास विभाग ने जो हमें पैसा दिया तथा लोग हमने एग्रीमेंट करके जितना संभव होगा हम कोशिश करें कि सबको उसमें दें। मेन हम लोग का उद्देश्य आज मीटिंग के तौर पे ये हुआ है कि जो हमारे शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और पीछे भी हुई थी, उस पर हमने लोगों ने विचार किया है और बुड़को और पीएचडी वाली कंपनी को बुला के उनसे निर्णय अब एकदम सीरियसली बात की है कि जल्द से जल्द ये काम कीजिए आप, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाए और फाइन किया जाए। उन्होंने क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, प्लस अभी 2:30 बजे फिर मीटिंग है उन लोग के साथ में नगर आयुक्त जी की और फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे फाइन कड़ाई की जाएगी, प्लस फाइन किया जाएगा। दूसरा हमारा उद्देश्य यही है शहरवासियों से कि जो हम लोग डस्टबिन दिए हैं उसकी गाड़ियां हम लोग जल्द खरीद रहे हैं, सूखा गीला कचरे की गाड़ियां लोड हो चुकी है, जल्द जल्द आ जाएगी। तो शहरवासियों से ये निवेदन है कि आप लोगों को डस्टबिन दिया जा रहा है उसी मुताबिक कचरा रखिए और हम लोग को सहयोग करते हुए शहर सफाई में हमको हेल्प करें। आज स्टैंडिंग कमेटी का बैठक किया गया था माननीय महापौर की अध्यक्षता में और उसमें कई सारे इश्यूज थे जिसमें हमने निर्णय लिया। सर्वप्रथम तो जो हर घर नल का जल का जो स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उसकी समीक्षा की गई और पीएचडी के इंजीनियर एवं मुर्दों के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने तो हम लोग ने जो पार्षद लोग हैं उन्होंने अपनी समस्या का वर्णन किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उन लोग के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जल्द से जितने कनेक्शन कट है उनको किया जाएगा और जो भी इसमें समस्या आ रही है उसका निदान किया जाएगा। साथ ही ESL एजेंसी जो इलेक्ट्रिसिटी लगा रही है अभी कुछ और जगह जो जगह जहाँ बच गई हैं LEDs को जहाँ लगाना है उसको भी हम लोग ने बताया है उनको और उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उस कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही विकास की कई सारी ऐसी योजनाएं